सिविल डिफेंस कार्यालय के 55वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां सिविल डिफेंस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने बताया कि ये वार्षिक उत्सव वो हर साल 6 दिसंबर को वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी धूमधाम से इसे मनाया गया। यहां उपस्थित लोगों ने सिविल डिफेंस की कार्यप्रणाली के बारे में सबको विस्तार से बताया, साथ ही लोगों से अपील की कि वो अपना सहयोग देते रहे जिससे सिविल डिफेंस अपना काम सही करते रहे। कई वार्डन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। दरअसल सिविल डिफेंस कई उत्कृष्ट काम करता आ रहा है और सिविल डिफेंस के लोग सबकी मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। सिविल डिफेंस लगातार इसी प्रयास में रहता है कि कैसे आम जनमानस की सहायता की जाए। आज सिविल डिफेंस का जो 55वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, ये और हमारे सभी यहाँ पर चीफ वार्डन साहब हैं, डिविजनल वार्डन हैं, डिप्टी कंट्रोलर हैं, वार्डन हैं, सभी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है और सबके द्वारा अच्छा सेव किया जा रहा है। समाज की सेवा में इनका पूरा योगदान है। कोई कैलेमिटी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसे सब लोग जुट के एकजुट होकर के उसे सॉर्ट आउट करने में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। अभी जो त्यौहार हुए, जितने जुलूस निकले उनमें सबकी ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने सबने जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें और प्रशस्ति पद दिए जाएंगे। आज सिविल डिफेंस का 55वां वर्षगांठ बनाई गई है। आज स्थापना दिवस है तो हमारे ADM सिटी साहब आए थे इसमें और हमारे सारे वार्डन मौजूद थे, तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक स्थापना दिवस बनाया है। किन लोगों को सम्मानित किया गया आज? इसमें से दो लोगों को आज हमारे सम्मानित किया गया है, जिसने एक हमारे एक टॉप पेश किया है, इसलिए इनको सम्मानित SSP साहब द्वारा किया। एक कुमार नबी को हमारे किया गया है। दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसमें गत वर्षों में जो हमारे वार्डनों के द्वारा कार्य किए गए उन सबको सराहा गया और इस बात की प्रेरणा दी गई कि आगे भी वार्डन लोग इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहें और समाज की सेवा करते रहें। और ये कार्यक्रम लगभग एक हफ्ते रहेगा, जिसमें स्वेटर वितरण, कंबल वितरण, अलाव जलाना आदि कार्यक्रम इसमें बहुत सारे शामिल हैं। देखिए, आज 6 दिसंबर पर हमेशा की तरह सिविल डिफेंस का वार्षिकोत्सव यहाँ पर ऑफिस में मनाया जा रहा है, उसका शुभारंभ हुआ है। ये कार्यक्रम पूरा हफ्ता चलेंगे। पहले हम सिविल डिफेंस मास, सिविल डिफेंस सप्ताह पहले भी मना चुके हैं गत वर्षों में, और इस साल भी ये सारे कार्यक्रम होंगे जिसकी रूपरेखा आपको समय समय पर बताई जाती रहेगी। आज के जो कार्यक्रम हैं वो एक तो यहाँ पर झंडा रोपण हुआ है, सिविल डिफेंस का झंडा फहराया जाता है। इससे एक संदेश हमें प्राप्त हुआ है महानिदेशक महोदय से, उसको पढ़कर सुनाया गया है। सभी लोगों को उन्होंने बधाई दी है, सिविल डिफेंस के कार्यों की सराहना की है। मैं एक बात साथ में ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सिविल डिफेंस हमेशा आपके सहयोग का अभिलाषी है। आए आपके सहयोग फिर से अपेक्षित है। आपके सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं है। आप हमें कोऑपरेट करते हैं तो सिविल डिफेंस अपने कार्य करने में कामयाब होता है, और हमें आइंदा भी उम्मीद है कि आप हमारा तआवुन, हमारा कोऑपरेशन करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जी वैसे क्या कार्यक्रम आज सिविल डिफेंस द्वारा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस 55 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया गया, और इसमें कई कार्यक्रम हमारे विभाग द्वारा आयोजित किए जाने हैं जो एक हफ्ते का प्रोग्राम है। हम ये चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से 1962 में इसका गठन हुआ वो उद्देश्य हमारा कामयाब रहे। अब है कर्तव्य हमारा भी कुछ ऐसा कर दिखलावे हम, ना देश दूसरा हावी हो भारत के वीर कहलावे हम, सौंपी जाए जो जिम्मेदारी पूरी तरह निभावे हम, भारत के उन सपूतों को कभी नहीं भुलावे हम, कभी नहीं भुलावे। ये आज़ादी हमें मिली, इस आज़ादी को बनाए रखना है, यही हमारा सिविल डिफेंस का उद्देश्य है कि जिस प्रयास के लिए जो भी घटना घटे उसे कम से कम हो, उसी प्रयास से हम सिविल डिफेंस के वार्डन कार्य करते रहेंगे और प्रशासन को सहयोग देंगे।